कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हो, और अपन ने देखा कंडक्टर दो तरह के थे, एक मेटालिक कंडक्टर जो फिजिक्स वालों की जिम्मेवारी सिखाना, और दूसरे आयोनिक कंडक्टर जो केमिस्ट्री वाले जिम्मेवारी लेते हैं हम सिखाएंगे। तो आयोनिक कंडक्टर में क्या होता है, आयन्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और चार्ज पार्टिकल या जो आयन्स होते हैं उसकी वजह से करंट का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और जानकारी चाहिए, कितना करंट का फ्लो करेगा, कैसा रेजिस्टेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस होगा, कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बुरा कंडक्टर है, ये सब जानकारी अपने को लेनी है तो अपने को लेक्चर देखना पड़ेगा। और कुछ टर्म्स चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जो सीखनी पड़ेगी अपने को। तो मैं नवीन जोशी तुम्हें सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, तो कंटिन्यू करता है ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखते हैं क्या टर्म्स जो अपने को सीखनी है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है ओम्स लॉ। सर ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमें आता है बहुत अच्छे से आता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, मार्कर से इंक गिर गई। चलो देखो इसमें क्या चीज है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है देखना। जो अपन ने ओम्स तो पढ़ा है, सुनना, अपन ने ओम्स लॉ बहुत से सीखा हुआ है, बहुत बारी जानकारी ली है, 10th क्लास में सीख लिया था सर, वापस क्यों सिखा रहे हो, हम और भी बार बहुत फिजिक्स में भी सीख चुके हैं, तो इतनी सिंपल चीज क्यों सिखा रहे हो, जरूरी है भाई, क्यों? ये इस बात की फील देगा कि जो आयनिक कंडक्टर होते हैं उसमें भी ओम्स लॉ वैलिड है, उसमें भी ओम्स लॉ वैलिड है। और उसने क्या चर्चा की थी, किसी भी आयनिक, जो भी कंडक्टर, किसी आयनिक छोड़ो, जो भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा ना उसमें कंडक्टिविटी, सॉरी उसमें करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगी। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा लो दिया, जो आयनिक और मेटेलिक दोनों कंडक्टर वैलिड है, तो वी कॉन्स्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस वी इक्वल्स टू आई आर। ये मेटेलिक कंडक्टर और ये आयनिक कंडक्टर दोनों पे ही वैलिड है, तो टेंशन नहीं लेनी। दूसरा है रेजिस्टेंस, जो आर लिखा हुआ है, ये अपनी हेडिंग है, ठीक है। क्या होता है रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो में बाधा होती है, जो करंट के फ्लो में बाधा का काम करता है, जो रजिस्ट करता है, जो रोकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। बस इतना से सिखाऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, जो अपने काम में आएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस होता है जहां पर रो क्या है, रो के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है एरिया। देखो जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उसमें करंट उतना कम फ्लो पाएगा, क्यों, जितना ज्यादा, क्योंकि आप जब लिखोगे आर को तो आर क्या आएगा, वी अपॉन आई नहीं आएगा क्या, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा कम करंट फ्लो पाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, जहां पर आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस आपको पता चल ही गया होगा, लिख देते हैं एल क्या लेंथ ऑफ वायर और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मोटाई, जो चौड़ाई वाला एरिया होता है, जैसे इस मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई पूछ ले तो बोले ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है भाई, तो उस ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस, सॉरी ये जो रो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ, इसका एक और नाम बड़ा अच्छा है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या, थोड़ा सा साफ लिखता हूँ यार, राइटिंग खराब होती जा रही है, कुछ मार्क करने है इस वजह से दिक्कत आ रही है, कोशिश तो की है। चलो तो नेक्स्ट अपडेट टर्म रेजिस्टिविटी नहीं आ जाएगी क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको रो से नोट करते हैं अपन लोग, ठीक है। क्या चीज है, क्या बोला है, सुनना। देखो अपन जब चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस, तो किसी वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है उसको अपन बोलेंगे इतना अच्छा कंडक्टर है, एक तरह से कंपैरिजन करने में काम में आता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का कंपैरिजन करने के लिए बहुत अच्छी टर्म नहीं है, सुनना ध्यान से। रेजिस्टेंस अपन जस्टिफाई करते हैं कि किस कौन कितना अच्छा कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस इतनी अच्छी टर्म नहीं, क्यों, सुनना। वैसे आप सबको पता है कि आयरन जो होता है इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, या फिर जो गोल्ड है वो बहुत अच्छा होता है, और कॉपर इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। गोल्ड जो है, यदि कोई एयू का वायर अच्छा कंडक्टर का काम करता है इज कम्पेयर टू सीयू, तो एक बार बताओ, मैंने सिंपल सा एक वायर लिया एजी का, और सॉरी एयू का, और एक सिंपल सा वायर लिया इसका, यदि कोई पूछ ले
कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है इन दोनों में से, किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अभी इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ले ली मैंने, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा ले ली एज कंपेयर टू इसकी लेंथ। तो वैसे अच्छा कंडक्टर एयू होता है, लेकिन अभी इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा, एयू का आएगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि एयू अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो बताता तो है कौन अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इतना बढ़िया से नहीं बता पाता, क्योंकि इन दोनों के लिए आप अच्छा ऐसे कंपैरिजन करना चाहते हो कौन अच्छा रेजिस्टेंस या कौन अच्छा कंडक्टर है जिसमें कम रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो पहले इनकी लेंथ सेम लो ना यार, इनको कंपेयर करना चाहते हो तो इनका लेंथ सेम लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लो, फिर इनको कंपेयर करो, फिर पता चले कौन अच्छा कंडक्टर है। यदि आप सिंपल रेजिस्टेंस से कंपेयर करोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओ कौन अच्छा कंडक्टर, इसलिए नई टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल केस लिया हुआ है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, दैट इज रो। रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, क्या बना, आर आर ए बाई एल। सुनना, इस केस में होता क्या है, सुनना। अब रो आएगा क्या, जब 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 एरिया को रख दिया जाए यूनिट से, एरिया को पुट कर दिया जाए यूनिट से, और लेंथ को पुट कर दिया जाए यूनिट से, यूनिट जो भी यूनिट मतलब एक इकाई मतलब वन वैल्यू पुट कर दी जाए, जो भी आप यूनिट रखना चाहो इसमें, जो भी डायमेंशन मीटर सेंटीमीटर जो भी रखना चाहो, लेकिन इकाई यूनिट वैल्यू रखना इसकी, ठीक है। तो आप रखोगे तो यदि लेंथ और एरिया यूनिट कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस आएगा वायर का वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं आएगा। क्या क्या आपने स्पेसिफाई नहीं कर दिया क्या कि मैंने एरिया भी वन कर दिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वन कर दिया और मैंने लेंथ भी क्या कर दी, वन कर दी। तो जब किसी वायर का यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस आता है, सो ऑफ वायर और सब कंडक्टर हुज एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिट एंड लेंथ इज यूनिट, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको नाम क्या दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेशल केस में चर्चा हुई है, ठीक है। अब सुनना, ये जिस तरह से अपन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, इसके सिमिलर एक और टर्म है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। थर्ड टर्म क्या देखना, फोर्थ टर्म क्या है, कंडक्टेंस। इसको कैपिटल जी से लिखते हैं, पता नहीं फिजिक्स में किसमें लिखते हैं लेकिन केमिस्ट्री में कैपिटल जी से लिखते हैं। ये क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है मतलब जी इज गोस टू वन अपॉन आर है, जी इज गोस टू वन अपॉन आर है। और कोई कंफ्यूजन नहीं क्यों इंट्रोड्यूस किया, देखो जिसका रेजिस्टेंस ज़रा वो बुरा कंडक्टर है, तो लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज डिजाइन कर दी जाए जिसकी वैल्यू ज़रा, आपको उल्टा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कंडक्टर बुरा, कंडक्टर अच्छा रेजिस्टेंस कम, उल्टा दिमाग लगाना पड़ता है। लोगों ने सोचा कि यार ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस की जाए जिसमें उल्टा दिमाग नहीं सीधा ही दिमाग लगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी कम बुरा कंडक्टर। तो लोगों ने एक नई चीज सिस्टम कर दी, नई चीज बता दी कि जी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ आर है, ठीक है। अब बात करें यूनिट की, तो आप सबको यूनिट का पता ही है, आर की जो यूनिट है रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, आर की यूनिट जो है ओम का मिली जाती है, और ओम को अपन कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें तो ओम सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में काम करूं तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से कट जाना है तो क्या आ गया, ओम इंटू मीटर आ गया, ठीक है। इसकी बात करूं तो वन अपॉन ओम आ जाएगा, दैट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का नाम क्या है, महो, इसका ऑपोजिट है एम एच ओ, क्या नाम दिया एम एच ओ, क्या था, क्या था ओ एच एम का इनवर्स। तो लोगों ने क्या किया, इसका उल्टा ही कर दिया, महो कर दिया, ठीक है। इसको फिर क्या बोला, एक और नाम दिया गया सीमन, बोला सीमन पर सेंटीमीटर, या सॉरी सीमन जिसको बोलते हैं, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड इसको फिफ्थ टर्म है जो वो बहुत ही अच्छी है, क्या है, जैसे इसका रेसिप्रोकल किया रेजिस्टेंस का तो कंडक्टेंस आया,
वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का करोगे रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो यार रेजिस्टेंस इतनी अच्छी टर्म नहीं है ये बताने के लिए कौन अच्छा रेजिस्टर है या कौन अच्छा कंडक्टर है, किसमें कम रेजिस्टेंस किसमें अच्छा कौन अच्छा कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, तो इसको जस्टिफाई इससे नहीं किया जा सकता। और जैसे रेजिस्टेंस नहीं किया जा सकता तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, आप सेम प्लेटफॉर्म पर लेके आओ, सेम एरिया करो, सेम लेंथ करो, फिर कंपेयर करो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कुछ इस तरीके की आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं कप्पा, कप्पा कप्पा पप्पा कप्पा जो भी है, कप्पा बोलते हैं। के की टर्म के की जैसे दिखता है ये अल्फाबेट एक ग्रीक वर्ड का। अब देखते हैं नेक्स्ट अपन बात करें, ये है क्या, वही सिमिलर चीज, ये इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज प्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। मतलब कप्पा क्या आएगा, वन अपॉन रो आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपन जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो अपन डिफाइन करना चाहते हैं ताकि कंडक्ट जो भी अच्छा कंडक्टर है बुरा कंडक्टर इजीली पता चल जाए सेम प्लेटफॉर्म पे आके, तो ये क्या है कंडक्टिविटी। आप सुनना, जैसे अपन किसी मेटल की जस्टिफाई करते हैं, हालांकि बहुत अच्छे से उसमें फिजिक्स वाले देते हैं, लेकिन अब केमिस्ट्री की फीलिंग्स स्टार्ट है, अब केमिस्ट्री की चर्चा स्टार्ट है कि यार कोई आयनिक कंडक्टर जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, कौन अच्छा कंडक्टर है, जब इसकी चर्चा की जाए कौन अच्छा कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप जस्टिफाई इससे कर सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इससे पहले कंडक्टेंस टर्म आई, लेकिन कंडक्टेंस में अपन इतना अच्छे से जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों की लेंथ अलग ले लीजिए और एरिया अलग ले लीजिए क्रॉस सेक्शन, तो नो डाउट आंसर अलग ही आएगा, भाई जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कौन अच्छा कंडक्टर है। लेकिन आप सेम लेंथ कर दो और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया कर दो, क्या पता आप जस्टिफाई कर पाए अपन लोग कि कौन अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा आएगा उस कंडक्टेंस अपन नहीं कर पाए, तो अपन रेजिस्टिविटी स्पेसिफाई कर दिया उस केस में काम कर लिया। लेकिन सर अपन जो बात करते हैं कंडक्टर का फिजिक्स के अंदर एक वायर का, तो अपन बात करते हैं एक वायर को चेक कर लो, लेकिन जो आयनिक कंडक्टर है उसको कैसे चेक करते होंगे, तो आयनिक कंडक्टर के लिए एक छोटा सा सेल बनाया गया है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। वो कैसे दिखता है, वो सेल एक तरह से वायर की तरह दिखता है ना, वो सेल नहीं होता, इसका नाम कंडक्टिविटी सेल है, लेकिन वो सेल की तरह दिखता है लेकिन होता है एक वायर की तरह बिहेव करता है। कैसे देखना, इसको बड़े प्यार समझाता हूँ कि काम की चीजें बार बार काम में भी आएगी आपके। तो देखना ये पोर्शन ऐसा है सला कि कुछ फिजिक्स से मिला हुआ है, तो बच्चों को जरा केमिस्ट्री फील नहीं आती, तो देखना देखना देखना, लेकिन आएगी नवीन जो सर फील देंगे भाई, देंगे 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 फील जरूर देंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टिविटी सेल जो है वो क्या होता है देखना, जिस तरह से एक वायर है, एक वायर मैंने बनाया सिंपल से, एक तार का टुकड़ा, इसको जूम किया तो उसमें क्या दिखेगा, ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे थे, यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट हो जाएंगे और कंडक्टर का काम करेगा। लेकिन क्या तुम इसकी फील ले सकते हो, एक खाली ग्लास की ट्यूब है, एक खाली ग्लास की ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या, इस साइड में ढक्कन लगा दिया मेटल का, इस साइड ढक्कन लगा रहे इनर्ट मेटल का, और इसको मैंने एक छोटा सा होल बनाया और एकदम होलो सिलेंडर है कांच का, और इसके अंदर मैंने कुछ भर दिया, क्या भरा, आयनिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक आयंस का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया, क्या ये सेम इस वायर की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या, क्योंकि इसमें आयंस है, जैसे एक्वस NaCl डाल दिया तो इसमें थे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है Na+Cl-Na+, इसमें भी तो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये चार्ज पार्टिकल कंडक्टर का काम नहीं करेंगे क्या, ये दोनों सेम ही काम करेंगे, कब देखना कैसे, मैंने एक सर्किट लगाया और इस सर्किट में मैंने क्या किया, एक बल्ब लगाया, तो यदि ये वायर लगा दूं इतना मोटा, ये जो जूम किया हुआ है, तब भी ये बल्ब जलेगा, ध्यान रखना, और ये लगा दूं तब भी ये बल्ब जलेगा, सेम काम होगा दोनों केस में। तो सर सारे वायरिंग जो है इससे क्यों नहीं कर ली जाए,
इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि इसमें जो कंडक्ट करने वाला आए वो बड़े साइज के हैं, और इससे कंडक्टिविटी जो आएगी, जो कंडक्टेंस आएगी, जो कंडक्टर का काम करो और धीरे करेंगे भाई। तू आज स्विच ऑन करता है तुरंत तेरे को लाइट जल जाती है ना, इसमें क्या पता कुछ डिले हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये फूट गया सर, आयन गिर जाएगा, वायर टूटता है तो दिक्कत जोड़ दिया जाता है, इसको कैसे जोड़ोगे, नई ट्यूब लगानी पड़ेगी, काम एज इट इज कर सकता है लेकिन इसको फिजेबल नहीं लगाना, ठीक है। चलो अब तुम्हें अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली इसी को ही बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, यही है कंडक्टिविटी सेल, जो कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सेल से कंडक्टिविटी को चेक करने काम में आता है, इसी क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। और कैसे 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 दिखता कैसे है ये देखो, जैसे मैं सिंपल सा ये देखो, इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, किसी भी सर्किट से जोड़ दो, बल्ब लगा दो, बल्ब जलेगा ये, और है क्या, एक छोटा सा ढक्कन लगाओ। अब इसमें आप कोई भी आयनिक सॉल्यूशन भर दो, इसको स्पेसिफिक लेंथ होती होगी, कोई स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया होता होगा, आगे बात समझ में। तो इसका जो कप्पा आएगा क्या आएगा, 1/ρ आएगा। अब 1/ρ इसका रिवर्स ही तो है, तो रो की वैल्यू पुट कर दूं, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/RA/L नहीं आ जाएगा क्या, क्या एल को ऊपर नहीं भेज सकता क्या मैं, तो KDS क्या आ जाएगा, 1/R.L/A। जो लेंथ होती है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, देखो आप जब केमिस्ट्री के लैब में जाओगे आपको बहुत सारे कंडक्टिविटी सेल मिलेंगे, लेकिन उस कंडक्टिविटी सेल पे लेंथ का और एरिया का मेजरमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लेंथ और एरिया का जो रेशियो है वो जरूर मिलेगा, जिसको सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये एल बाई ए क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट होता है, इसको जरूर मिलेगा सेल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू जरूर मिल जाएगी। और सेल कॉन्स्टेंट मिल गया, और सोचो कब करोगे क्या तुम लोग, जैसे ही आपको इसके अंदर का रेजिस्टेंस पता चल गया, जो भी आयनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है कैसे करके पता कर लिया, तो उस आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता नहीं चल जाएगी क्या, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मूला फाइनल क्या बना, जो कप्पा है वो इज गोस टू 1/R को मैं जी नहीं लिख सकता क्या, और ये सेल कॉन्स्टेंट नहीं हो गया क्या, इसको जी स्टार से डिनोट करते हैं काफ़ी जगहों पर। तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू सेल कॉन्स्टेंट इंटू सेल कॉन्स्टेंट, समझ में आ गई हो गया बात। तो ये पांच टर्म्स इसमें सेल कॉन्स्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो सेल कॉन्स्टेंट या फिर कंडक्टिविटी सेल पूरा ही बोल दो, कंडक्टिविटी सेल बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, ये वाला कंडक्टिविटी सेल है क्यों, क्योंकि हेल्प करता है अपने को किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की या एक्वस आयनिक सॉल्यूशन कंडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, सबको बताएं, यदि अच्छा लगा है, कोई दिक्कत है डाउट है पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।